आपने शाबाश कहा ना, कह रहा है मामा कह रही थी कि शाबाश कहना था, मामा ने कहा शाबाश। बाकी कसम ये मजाक उड़ा रहा है आपका, देख लो। वैसे आप इसको अपना बेटा कहती हैं, बेटे ऐसे होते हैं? मैं बेटा ये ऐसे होते हैं? मैं मैंने कभी आपको मजाक उड़ाया ऐसे? मैंने बस मजाक नहीं उड़ाई, लगी समझ? टोपी इतनी छोटी सी, मेरे नाक पे टोपी नहीं आनी ये आप। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी खिदमत में हाजिर है एक इंतहाई खूबसूरत पेंट करने वाला, और उसके साथ मौजूद है एक इंतहाई खूबसूरत उसका दोस्त जिसका नाम है मोहम्मद फैजान। तो यार अच्छा बात ये है कि कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सारी सफाई सफुई करनी है, बाकी दीवारों का सारा पेंट शेंट करना है, और उसके बाद वो टब के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हमने चूना भी डाल दिया था सारा, और ये देखो भी सारा चूना रेडी हो गया। अब हमने इसको एक बाल्टी में डालना है, और बाल्टी में डाल के इसको, ये बाल्टी है कोई बड़ी भी, किसी जाली वाला कपड़ा लेके आना, जाली वाले कपड़े से पहले इसको सबसे पहले पुनना है, जो था इसके ऊपर गंद गुंद पड़ा होगा, और उसके बाद किसी बाल्टी में डालना है, फिर एक बाल्टी इसकी होगी, एक बाल्टी मेरी होगी, एक दीवार ये वाली कर लेगा वो फिजान, और वो वाली दीवार करूंगा मैं। तो चलो फिर काम शुरू करते हैं अभी। अच्छा यार ये वाली एक हमारे पास जाली है, ये हमने सबसे पहले जो वो चूना है वो हमने पुनना है, इसके मतलब जो गंद शंद है वो निकाल देना है, उसके बाद अम्मा बाल्टी लेके आ रही है तो वो बाल्टी के अंदर डालते हैं और काम शुरू करते हैं। अभी ये सारी दीवारों का काम करना है, बाकी मैंने बताया था कि बरामदों का भी काम करना है, ये वाले जो उनसे पिलर हैं। क्या कह रहे हैं? कौन सा लिक्विड ले गए थे हम? ग्लू क्या करनी है? वो डालनी नहीं है, सुल्तान भी कह रहे थे रहने दो, वो फायदा नहीं है उस चीज़ का। अच्छा पहले ये चूना वगैरह करेंगे, उसके बाद डिस्टेंबर करेंगे, लेकिन आज तो नहीं हो सकता। मैं अच्छा ये बता दूं, ये बाकी जितने पिलर्स वगैरह देख रहे हो ना, ये इन सब पे ब्राउन पेंट होना है, और बाकी जो दीवारें वगैरह हैं ये सारी ग्रे वगैरह दीवारें हैं जितनी भी हैं, इस पे सारा होना है चूना। बाल्टी दे दो, कोई बाल्टी दे दो, जागली बाल्टी दे दो, आप जागली आएंगी मम्मा जी, बाल्टी दे दो कोई बाल्टी, बाल्टी ले ले लाल। अरे बस ठीक है ठीक है मामा, धो देंगे, क्या हो गया बाद में यार, ये वाली बाल्टी, ये वाली माँ बस ठीक है, ये वाली यार ठीक है, कुछ नहीं होता। लेकिन यार बड़ी भी तो है ना इतनी ज्यादा फिजान, आधी भर लेंगे, काली वाली बाल्टी है, उसमें सामान पड़ा है मामा सारा, इसलिए तो कह रहे हैं कि क्या करें। अब तेरे घर कोई बाल्टी नहीं पड़ी हुई? शायद तेरे घर कोई बाल्टी जहाँ तांब नहीं, तांबे नहीं, उसका कोई हैंडल वाला चाहिए, जैसे ये गंदी बाल्टी है, ये कूड़े वाली है मामा, इस तरह की बाल्टी चाहिए, इस तरह की, देखिए देखिए इस तरह की बाल्टी चाहिए, ये इस तरह की बाल्टी मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है ना, तुमने कहा है बच्चे? नहीं नहीं ये तो यार वो पापा की हकीम की दवाई का सामान सुन है, पीछे प्लाट में पड़ी हुई है, फिर पीछे प्लाट में पड़ी है, पीछे प्लाट में बाल्टियाँ कोई, चलो देख लेते हैं पीछे प्लाट में जाके, देखते पता नहीं प्लाट में कोई ना कोई बाल्टी पड़ी हो, मिल जाए बस। बाकी सेन में पहले बाल्टियाँ ऐसी पड़ी थी लेकिन मिली तो नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई देख सकते हैं, इधर कोई बाल्टी 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 बढ़ाई, कितना बुरा हाल हुआ है यार इसका भी सारा, पहले सेन से काम करते हैं ना फिर इसका भी काम करेंगे। बाल्टी यार जग ही है, या फिर मम्मा को कहता हूँ, मम्मा जी पानी वाले जैसे जग है ना वो जग ले लेते हैं, जैसे जैसा वो जग नहीं है ये ब्लू वाला, वो देखो ये वाला सामने वाला जग, ऐसा हम जग ले सकते हैं, अगर बाल्टी नहीं मिलती उसके बाद ही जग लेंगे, वरना पहले कोशिश करते हैं। फिर ओ ये मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई बाल्टियाँ, मिल गई तीन बाल्टियाँ इकट्ठी मिल गई, ये देखो ये देखो एक बाल्टी, जा यार सही है डाले, ओए ये तो टूटी भी है, ये टूटी भी है इधर से, एक ये बाल्टी है पूरी, इसके अंदर कीड़ी बहुत ज़्यादा, और उसको झाड़ते हैं, और ये दो बाल्टियाँ शुक्र है मिल गई, इसके अंदर डिशैम्पल डाल यार, इसके अंदर डिस्टेंपर डालते हैं, जाके फिर करते हैं यार। कह रही है आप नहीं पेंट पहन के शुरू हो गए, शर्ट पेंट मामा बाबा कहते हैं उनकी पेंट पहनी हुई है, मैंने काले रंग की इतनी पुरानी पेंट है, ये 4 साल पुरानी है, और क्या इसको कितना चलाना होगा उतारो इसको बदल यार माँ, पैसा बढ़ाया अगर कोई खराब भी हो जाएगी तो नया नई पेंट ले लेंगे, मुझे कोई कपड़ा दे दें, टोपी इतनी छोटी सी, मेरे नाक पे टोपी नहीं आनी ये आपने सर पे चली दी है, दे दें कपड़ा दे दें कोई जल्दी से, लेना मामा नील उसके अंदर डायरेक्ट डाल दें उसको फोन किया आपने, जरूर इतने लंबे लंबे काम करवाने हैं, ओहो पानी थोड़ा थोड़ा सा ले उसके अंदर उसको घोल दें, उसका काम ओके हो जाएगा, अलग में क्यों घोलना है पानी चले नहीं गलती से आप नहीं, क्या हो गया
हाय यार, हमने काम की थी मैं शुरू के टाइम के और कुछ पता है असर का टाइम हो गया। ये काका ने काका तू भी दाढ़ी मजदूरी करना शुरू कर दे कसम से बड़ा। अच्छा तेरी रोजी रोटी निकल जानी यहीं पे, यानी मेरे साथ रहेगा तो सारी जिंदगी तू वेला ही रहेगा। दिलदार से रابطہ करता, दिलदार अंकल से रابطہ कर। उनका अंकल जी मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें और एक कमरा मैं कर लिया करूंगा, एक कमरा आप। ये तो बाकी में बात हूं, मेरे साथ जब तक रहेगा तेरा ऐसा ही हिसाब किताब रहना है। बेटे आप ना ये पहले लेके आओ थोड़ा पानी और इसमें नींबू घोलो और इसमें मैंने ने पूरा भर दिया था, आप पानी डाली ना इसे। अच्छा पकड़िए अभी सारा नींबू छिड़क डाल, बिस्मिल्लाह भर दो। चल भाई डाल दे, तू हांडी बना रहा है ऐसे हाथों से कर दूं? नहीं नहीं हाँ कर दे तू हाथों से यार, क्या हो रहा है? हाँ ये मेरा हाथ पका कर देना, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, कोई नहीं कभी धो लेता मैं हाथों को। भाई मेरा दोस्त है, सारे छींटे एक उंगली पे छींटा पड़ गया। मेरे खराब कर दिए आपने, क्या हो गया? ब्लू कलर के कपड़े वैसे भी आपके खैर है, पुराना सूट हो गया, रंग उड़ गया, उसका रंग दोबारा चढ़ गया। अच्छी बात, ओके हो गया, ओके हो गया। मैं खराब हाथ धो रहा हूं, मैं हाथ धो ले दो। नहीं नहीं नहीं, क्या खराब हो जाएगा? इधर धो, इधर धो। मम्मी खराब पेंट कर रहे हैं, नलका नहीं खुल रहा यार ये। ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब ना कर देना, बस सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस वगैरह देख रहे होते हैं, मेहरबानी वाली बात है। वीडियो भी देखते हैं, मज़े भी लेते हो, उसके बाद चले भी जाते हो। तो ये ब्लॉग शुरू होने से पहले आप सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दो। बाल्टियाँ पड़ी हैं, कुछ नहीं होता, ओहो उसके अंदर सीमेंट है, सीमेंट है, पक्का सीमेंट है। चलो फिर एक ही बाल्टी, एक ही बाल्टी कर दे यार, एक ही बाल्टी बहुत है बस, ठीक है ये वाली बाल्टी ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। बैटरी कर रही है पीछे से, तो और क्या, मेरे घर के काम करोगे तो अच्छी बात है भाई। मैं दो आते, मेरे कितने आते हैं? सही तरीके से पकड़ोगे तो फिर ही ठीक रहेगा ना। अब वापस जाना डाई को जा लो, उसको वो जो दाना बीच में पता है वापस आ गए, है ना तुम्हारे पास? आपके बंदे ने पैसे दिए मुझे, कौन सा पैसा? खाली जेबें खाली पड़ी है मेरी। अगर तुम्हारे पापा भी हैं तो मैं शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए। तो पहले तो आपका बंदा ही है ना, पापा मेरा बाद में। क्या कहे मामा ने, क्या कहे मामा? जी वीडियो बना रहे थे ना, मामा ने कहा शाबाश। हाँ तो मामा कहती है शाबाश बेटा जी। मामा देखो आपको अल्लाह की कसम, पीछे से आपको मजाक में मामा बताता हूँ, एक मिनट मेरा बेटा रुके, एक मिनट। मामा जी बॉय हाउ आर यू? अयो अयो विटम पेड़िया कंधिया यार। मामा ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका, आपने शाबाश कहा ना, कह रहा है मामा कह रही थी कि शाबाश कहना था, मामा ने कहा शाबाश। ये मजाक उड़ा रहा है आपका, देख लो। वैसे आप इसको अपना बेटा कहती हैं, बेटे ऐसे होते हैं? मैं बेटा ऐसे होते हैं? मैं मैंने कभी आपका मजाक उड़ाया ऐसे? आइंदा बार मजाक नहीं उड़ेंगी, लगी समझ? चलो पैसे लेंगे, आपको पैसे दे दें इधर। बस ये काके ले, अब बोतलें शोतलें पी के पापड़ शापड़ सिगरेट वगैरह पी के ये बना है। अच्छा बस ठीक है, ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे ले आएंगे, बस करें बस करें बस करें ना करें। ओ यार चलो यार बाइक निकाल, आज संडे है ना, पापा ने जो पे जाना, बस पापा की बाइक लेके चलते हैं। मैं भी अपनी बाइक लेके, पेट्रोल दोबारा डलवाना पड़ना है। अब्बा जी की बाइक में हर वक्त पेट्रोल होता है, गजब तू भी वाज आदमी, इसलिए हम हर वक्त वही यूज करते हैं। चलो यार जाके सबसे पहले पकड़ी वाला लेके आते हैं, नाला वाला लेके आना, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम अब स्कूटर ही जाएंगे और जाके अपना सामान स्कूल लेके आने। ओए बच्ची निकल आ गई छोटी बच्ची, चलो यार निकलते हैं जाके सामान लेके आते हैं। अरे नाला या पुटीन है? नाला और पुटीन वो आगे पेंट की दुकान से बराबर बंद हो गया। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद पहुंचे हैं अपनी चेक पोस्ट पे, इतना रश था, फिर वो घूम के पूरे कैंट से घूम के आए हैं वहां से, और अभी से देखो हाथों का क्या हाल हो गया है। ये देखो ये देखो सारे कपड़े पेंटिंग वगैरह, ये देखो इसका इसका हाल देखो, ये देखो छोड़ छोड़ दे, क्या हो गया भाई? बैट से गया था, बैट से गया था। अच्छा तो अभी हम क्या क्या लेके आए? नैला लेके आए, ये नैला लेके आए हैं और साथ प्रोटीन लेके आए हैं, ये जो इस पर प्रोटीन लगा के यार गर्मी नहीं होती ऐसे। ओए मेरी कीड़ी मार दी, कंफर्म जन्नती है, मैंने कीड़ी मार दी, कीड़ी मार दी, अल्लाह मुझे माफ करे।
चलो बनाते हैं खरीदिए। देखो सामने वो फुटबॉलर्स, वो सारे लड़के तैयार हो रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए। हमारा भी दिल कर रहा है खेलने के लिए, लेकिन काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, फुटबॉल से ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से खेलेंगे। अभी फ़िलहाल मेहनत मजदूरी करते हैं और जाके अपना काम करा करते हैं। पहले दीवारें से भर के फिर करना ऊपर। अरे अभी दीवारों में खड्डे खुडे पड़े हुए ना, तो ये फिल हो जाएंगे, उसके बाद इसको फिल करो, जो छोड़ा है ना बेटा उसको फिल करो उसको। कौन सा ये निशान सा आ रहा है। पहले सूखने का इंतजार करने के ऊपर कर देना, फिर हमने दूसरी तरह सूखने का इंतजार नहीं करना, बस ये इधर ही जाएगा। पहले हमने दूसरी दीवार शुरू कर देनी, सीधी दीवार ही ऊपर से ऊपर खिड़की के पास, खिड़की के पास। कौन सी? तो सारे काम हमने कर लिए हैं, बाकी वो झाड़ू देना था वो भी दे दिया, पुटीने वगैरह भी सारी लगा दी, जितनी भी पुटीने सारी लगा दी, सिर्फ जो काम रह गया वो डिस्टेंपर का रह गया। पता नहीं बाहू की तरह, मुझे नहीं पता उसका, अभी डिस्टेंपर करना रह गया। यार इसमें रात इधर भी चल जाएगा आराम से, जरूरत ही नहीं है शुरू खड़े हो गए करने की, कैसे करते हैं। अभी अभी गिला गिला हो रहा होगा ना तो ऐसा लगेगा ऐसा नहीं हो रहा, जब ये सूखेगा ना तब इसका असल रंग आएगा, मतलब कल तक इसका असल रंग आएगा। यार मामा ने नील डलवा के कसम से ब्लू करवा दिया सारा, ये मैं कह रहा था ब्लू नहीं वाइट होना चाहिए, ताकि ब्लू ही और क्या है। कल तो हुआ यार, ये इतना नहीं करना चाहिए था ब्लू। हाँ जी, जो तकरीबन आधी सफाई हुई, मतलब आधा ये पेंट भरा हो गया, ये वाली जो दीवार है ना ये सारी हो गई है, ये अभी जब सूखेगी ना तो इसका असर कलर कल रात, मतलब कि कल सुबह निकलेगा। अभी फिलहाल ये दीवार रह गई है, ये वाली दीवार करनी है, तो यार अंधेरा हो गया तो मगरिब का टाइम हो गया, और हमने ये रात को सारा करके सोना है, तो ये आपको कल वाले ब्लॉग में नजर आएगा। अभी फिलहाल ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, लेकिन अभी करते रहेंगे काम, उसके बाद सारा सिस्टम जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा क्या बनाएंगे। अभी इधर मुँह कर, हुए हुए हुए, इधर पकड़ मेरा हाल देखो, पूरा पेंट वाला बंदा लग रहा हूँ, ऐसा कहता है कितना पेंट करके आया ना, कि अभी एक ही दीवार हुई है बस। तकरीबन ये वाली दीवार पे ही हो गई है, वहाँ से लेके ये सारी दीवार हो गई है, और अब बस इस दीवार का ये वाला हिस्सा रह गया है, और मगरिब फुल हो गई है। उतनी देर मामा शेक वगैरह बना रही हैं, शेक वगैरह पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इतनी एनर्जी थी सारी खत्म हो गया। अभी ये दोबारा से थोड़ी हमने ना इसमें चूना निकालना है, इसके अंदर डाल के और फिर नील डालना है दोबारा, जैसे ये वाला कलर बनाया था ना सारा वैसे ही कलर दोबारा से बनाना है, और फिर उसके बाद इस दीवार पर करना है। ओ पसीने से बुरा हाल हुआ है, पसीना भी आया हुआ, गर्मी भी लग रही है, और अजीब ही गंदे से हुए हैं इस वक्त मैं भी और ये निशाई भाई भी। होए होए होए, ओए सुकून मिल रहा है कसम से, भूख भी लगी हुई थी यार, काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है कसम से, कैसे करेंगे हम दोनों, कोई बंदा ही बुला देना चाहिए था। जिस बात हमने शुरू तो कर दिया है और अब ख़त्म नहीं हो रहा काम, दीवार कर रहे हैं हो ही नहीं रही बाबा, आधा आधा घंटा लगा रहे हैं दीवार पे, दीवार ही नहीं ख़त्म हो रही, पता नहीं क्या सूरत हाल है। तो यार जूस वाला पी लिया, बाकी अपने काम मुकाते हैं और टोपी काम मुका के आप लोगों को मिलता हूँ अब। अरे तो यार सारा काम हो गया, और ये वाली जगह भी हो गई, ये वाली जगह भी हो गई, पूरी दीवार हो गई है, अब बस हमारी बस हो गई है, रात का टाइम हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अब कुछ नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जो काम बताए हैं ना, हाँ क्या क्या शुरू कहाँ से करने हैं? शुरू ही पिलर वगैरह करने हैं सारी, हमने जैसे उसके नीचे गमले ला के गमले वगैरह लगाने हैं, उधर लगाने हैं, वो वाला सामने वाला आईना उतार के उसकी जगह वो फ्रेम आके लगाना है, सब कुछ करना है।
फ्रेम रूम को छोड़ दे, पहले मेरी एक बात सुन। इसको पहले ना कल जो तुम्हें पेंट करना है ना उसमें नील नहीं डालना, नील नहीं डालना। उससे पहले वो जो नीचे बज बना हुआ है ना उस पर रेगमाल मारना है। रेगमाल मारने के बाद जब ये सारा एक दफ़ा वाइट हो जाएगा ना इसमें बरामदे के लिए लाकर तुम्हें ग्रे ग्रे वाला लेके आना है। ग्रे के ऊपर ग्रे ही करते हैं बस, वो इंजेक्शन ले आना, ब्लैक का ले आना, उसको डार्क ग्रे करके बिल्कुल डार्क कर देना। बिल्कुल डार्क कर, कोई भी कहना ये क्या कर दिया, ये भी कर दिया, ये उड़ जाता सारा। लाइट ब्लैक कर देना, लाइट ब्लैक कर देना। इतना मैं ग्रे कलर दिखा दूंगा अभी। हाँ ले आऊंगा, वो इंजेक्शन होता है जाके ले आऊंगा। ये हो गया ग्रे। हाँ पर्दों का मैंने बता दिया किस तरह डालने, पर्दे भी हाँ डब्बा पे वाला भी बता दिया कैसे डालने। हाँ बता दिए, बस काम हो गया तेरा। बस फिर हमने कल इंशाल्लाह करना है। अभी ये नहीं कि इसको अब खींचेंगे ना, लंबा खींचेंगे, इसने एक हफ्ते तक जाना है। अब बेहतर ये है कि इसको कल सारा कर लिया जाए। कल सुबह 10 बजे मैं तुझे उठाने आऊँगा, 10 बजे उठ जाइए, अलार्म लगा के सोई या फिर जल्दी रात को सो जाइए ताकि तुझे उठने में मसला ना हो। ये तो ये उठता 2 बजे है, सुबह उठ जाए चौधरी बंदा है, 2 बजे उठता है। मैं कल तुझे 10 बजे उठाने आऊँगा, तुम्हें उठ जाना 10 बजे, उसके बाद इंशाल्लाह 10 बजे काम शुरू कर देना। और हमने रात तक काम करना ही करना है, इतने टाइम तक काम करना ही करना, और सारा चमका देना इंशाल्लाह पूरा घर ही चमक जाएगा, वही लश्कारे मरेगा। अभी मैं खराब हुआ था सारा कुछ। अच्छा यार बात पता क्या है, इधर मोड़ जरा। पता है किसी भी चीज़ को ख़रीदना या किसी भी चीज़ को मतलब कि बना लेना ये बड़ी बात नहीं होती, उसको मेंटेन रखना बड़ी बात होती है। और ये चीज़ ना आपकी पूरी ज़िंदगी में अप्लाई होती है, छोटी हर जो एक घर में नहीं स्पेसिफिकली, आप एक गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन रखना, उसका पेट्रोल, उसकी दूसरी मेंटेनेंस को बरकरार रखना, ये मुश्किल काम होता है। शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, शादी को बरकरार रखना, ये चीज़ें जो है ना ये मुश्किल काम है असल में। अब आम कर तो लेती है शौक शौक में, लेकिन बाद में मेंटेन नहीं रख पाती। और मेंटेन बंदा तब भी रख सकता है कि हर हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद टाइम दिया जाए। बस वही पौधों लेके आना, उसके लिए स्प्रे वगैरह लेके आना, स्प्रे करते रहना है। फजान साहब वो वाली साइड भी सारी भर देनी है, जब दरख्त नीचे से काटना है और सब कुछ कर देना है, वो टंकियाँ वगैरह सब कुछ साफ सूफ कर देना है, उठा देनी है सब कुछ, खुड्डा जो था कबूतरों के पीछे उस उन कबूतरों के पास ले जाना है, पूरा सेन क्लियर कर देना है और करना है इंशाल्लाह ये कर लिए तो मेरा भाई अपना माइंड बना लो। और मैंने सुबह आपको तकरीबन 10 बजे मैंने उठाने आ जाना है और आप रेडी रहना, मेहरबानी वाली बात है, उठ जाना। तो यार यहाँ पे मैं करता हूँ व्लॉग को एंड, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।